आपने फ्लाइट के टाइमिंग्स पता किए? हाँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, मेरे पास वक्त। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो रमन? किया कैसे तुमने ये? हाँ, बंधु का मर्डर कर दिया तुमने? अरे वो तुम्हें अपने भाई की तरह मानती थी, और तुमने क्या किया? उसे अपनी गाड़ी से कुचला और वहां से चले गए? रमन, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया है? जरा सा भी आइडिया है? अगर तुम बंधु को हॉस्पिटल ले गए होते तो उसकी जान बच सकती थी। इशू, प्लीज, तुमसे मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। सो कन्वीनियंट। रमन, एक बार मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुमने जो कुछ भी पुलिस स्टेशन में बोला वो सच है। मेरी आंखों में देखकर बोलो रमन कि तुमने बंधु का एक्सीडेंट नहीं किया है, तुमने मर्डर नहीं किया है। सच बोलो रमन, सच बोलो। सब लोग ये प्रूफ करने में क्यों लगे कि उन्होंने मर्डर किया है? जीजू, यक्का को मार के क्यों वहां से निकल जाएंगे? उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाएंगे? दैट्स नॉट लाइक रमन। जीजू, आप जानते हैं रमन को ऐसा नहीं कर सकते। जीजू, आर यू लिसनिंग टू मी? रमन, रमन, मेरे सर पे खून सवार है। आई वॉन्ट यू टू से द ट्रूथ। सच बोलो रमन। मैं क्या? तुम्हारा सच मैं बताता हूँ, तो एक नंबर का झूठ। मेरा परिवार बर्बाद कर दिया तूने, एक नंबर का कमीना है। एक हफ्ता खेलता परिवार बिखेर के रख दिया तूने, एक नंबर का कमीना है। और तुझे बहन बोलती थी, उसका मर्डर कर दिया तूने। हालांकि बहन तुझे मार दूंगा। चुप रहो बिल्कुल। तुम्हारे मुंह से तो मैं एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। झूठी निकली तुम, झूठी औरत हो तुम। तुम्हें मर्डर का साथ दे रही हो, खूनी का साथ दे रही हो, जिसने तुम्हारी बहन का मर्डर किया है। पुलिस स्टेशन में जाकर तुम लोग झूठ बोल रहे हैं। भूल गई तुम उस बहन को? तुम्हारी हर प्रॉब्लम में, तुम्हारी हर प्रॉब्लम में मैं और बंधु हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे। और उसका क्या सिला दिया तुमने? क्या सिला दिया? तुम्हारी बहन के खूनी के साथ बनकर खड़ी हुई है तुम। तुमने आज प्रूफ कर दिया कि सारे रिश्ते एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और रमन एक तरफ। फिर चाहे वो बेशक किसी का मर्डर क्यों ना करते, किसी का खून क्यों ना करते। There's nothing that has been left now. काश काश मैं भी बंधु के साथ होता, मैं भी खत्म हो जाता। I'm sorry. अब कौन देखेगा मेरे बच्चों को? सब कुछ भुला दिया तुमने इशिता, सब कुछ भुला दिया तुमने। यही है तो यही सही इशिता। It's very good. Mrs. इशिता भल्ला, you've done a brilliant job. Brilliant job. Everything is finished now. आज से तुम्हारे और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मिसेस इशिता भल्ला। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम ऐसा करोगी मेरे साथ। It's all over. It's all over. चलो हाथ में जाना है। आदित्य, आपको अपनी बहन से सीखना चाहिए कि बिजनेस कैसे करते हैं और मैनर्स भी। हेलो आदित्य। अरे भाटिया अंकल, आइए ना प्लीज। प्लीज बैठिए। जी बोलिए। मेरे पास कुछ टाइम हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था आपके साथ कोई मीटिंग प्लान है। एक्चुअली मेरी मौसी जी की डेथ हो गई है, तो पापा और चाचू ऑफिस में नहीं है, वो शायद नहीं आएंगे आज। इफ यू डोंट माइंड, हम ये मीटिंग वापस से रिस्क्यूल कर लेते हैं। मैं जानता हूँ हमारी कोई मीटिंग प्लान नहीं हुई है, और मैं यहाँ आज तुम्हारे पापा और चाचू से नहीं बल्कि तुमसे मिलने आया हूँ। और मैं यहाँ कोई बिजनेस की बात करने नहीं, बट कुछ पर्सनल डिस्कशन करने आया हूँ। बोलिए ना अंकल। क्या एक्चुअली आजकल बिजनेस सर्कल में तुम्हारे बहन की बहुत तारीफ की जा रही है, किस तरह एफिशिएंटली वो पूरा बिजनेस हैंडल कर रही है। तो मैं मेरे बेटे के लिए भी ऐसी बीवी चाहता हूँ जो मॉडर्न हो, बिजनेस माइंडेड हो, इंडिपेंडेंट हो और
हमारे फैमिली में भी बहु बेटियों को काम करने के लिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंकरेज किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम रूही से मेरे बेटे के बारे में बात करो। अंकल, रूही अभी बहुत छोटी है, बच्ची है अभी वो। मैं जानता हूँ, मुझे भी कोई शादी की जल्दी नहीं है। रूही इतनी यंग होके भी कितनी मैच्योर है, सेंसिबल है। वो और मेरा बेटा एक दूसरे से मिल तो सकते हैं ना, एटलीस्ट उनको मिलने दे, एक दूसरे को जानने दे। मैं जानता हूँ तुम्हारी भी एंगेजमेंट हो चुकी है, पर अभी शादी को तो टाइम है ना। उसी तरह अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है अंकल, मैं रूही से बात करूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। और मुझे इन्फॉर्म करना कि हम वो दोनों की मीटिंग कब फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू। आई कैन बिलीव दिस, हमारी रूही के लिए रिश्ते आ रहे हैं। पापा और रेशमा कितने खुश हो जाएंगे, फाइनली मैंने कुछ अच्छा काम किया। पता नहीं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या नहीं, सब बिखरता जा रहा है। बात लगी? भाई आपने बाहर जाने के लिए अप्लाई किया था ना परमिशन के लिए, पेपर्स आ गए हैं, पर उन्होंने कंडीशन रखी कि आपको 10 दिन में वापस आना पड़ेगा। जान पाती कि रमन के दिमाग में क्या चल रहा है। रमन जो भी है, पर आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भाई कहाँ जा रहे हो? कुछ बिजनेस रिलेटेड इमरजेंसी है, उसके लिए जाना पड़ रहा है उन्हें। ऐसे माहौल में बाहर क्यों? अच्छा ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझ गया। जरूर कुछ बात है, अगर उनकी कार चोरी हो गई थी तो रमन भल्ला ने यह बात हमसे छुपाई क्यों, और मिसेस भल्ला ने भी इतनी देर क्यों लगाई ये बात हमें बताने में। ठीक कह रहे हो सर, इंस्पेक्टर अभिषेक ने भी आपका फोन न उठाया, जबकि आप उसकी कितनी बार ट्राई करते रहे फोन। हमें वो फॉर्मल FIR चेक करनी होगी, समझे? यस सर। उसी से हमें पता चलेगा कि रमन भल्ला ने कंप्लेंट कब की थी, कंप्लेंट करने का वक्त, और बाकी डिटेल्स भी हमें उसी से मिलेंगे। एक केस जैसा दिखता है वैसा है नहीं, हमें हर एक एंगल से उसे देखना होगा। एक काम करो। यस सर। रमन भल्ला की गाड़ी बाहर ही है ना? जी सर। उसे फिर से एक बार चेक करो। ओके। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सुराग जरूर हमें मिलेगा। त्रिपाठी जी मेरे साथ आइए। अम्मा आप मुझे थैंक्स बोल रही हैं, मैं आपकी बेटी हूँ और पीहू और अनन्या को संभालना मेरा फर्ज है, तो प्लीज आप मुझे थैंक्स मत बोलो। और अम्मा आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए, वहाँ शगुन आंटी अकेली हैं, एक्चुअली अपा बैंगलोर चले गए हैं। शगुन कैसी है, ठीक तो है ना वो? हाँ, पर पता नहीं फ़ोन पे थोड़ा लो साउंड कर रही थी, तो इसलिए शायद मुझे जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अम्मा आप फिर से थैंक्स बोल रही हैं, आई मीन इट। अच्छा आप एक काम क्यों नहीं करते, आई नो जो भी कुछ हुआ है, अब मेरे साथ चलो ना वहाँ पे, आपका थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, शगुन आंटी भी आपको देख के खुश हो जाएंगी। मुझे पता है पुलिस स्टेशन में आपके और पार्टी के बीच में जो भी कुछ हुआ, आमा प्लीज चलो ना। मेरा फ्रेम ऑफ माइंड ठीक नहीं है।
मैं कब टूट जाऊं कोई भरोसा नहीं इस बात का। मैं नहीं चाहती हूं कि शगुन मुझे इस हालत में देखे। उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। आई कांट कंट्रोल राइट नाउ। अपने आप पे भी नहीं, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम जाओ शगुन के पास, शी नीड्स यू। अपना ध्यान रखो। ईशिमा, आप ही हो। ईशिमा, आप पाती के घर क्यों नहीं गए? उन्होंने बिल्डिंग की सारी लेडीज को बुलाया है और हमारे घर में से किसी को नहीं बुलाया है। ईशिमा, आप चलो ना मेरे साथ अभी, चलो। बेटा, सब पार्टी से मिलने आए होंगे ना, इसीलिए हमारे जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप भी चलो ना पार्टी से मिलने, चलो चलते। पीहू, पार्टी ईशिमा से नाराज है। जब वो नाराज कम हो जाएंगे, उनका गुस्सा कम होगा, तो हम चल के मिलेंगे, ठीक है? अभी नहीं जा सकते हम वहाँ। ईशिमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। मुझे देखना है वहाँ क्या हो रहा है। और पाती मुझे बहुत प्यार करती है, वो आपसे गुस्सा है, मुझसे गुस्सा थोड़ी ना, वो मुझे आने देंगी। मैं जा रही हूँ, बाय। पियू, पियू। हमने रमन बल्ला की गाड़ी पूरी तरह से चेक कर ली है, उसमें ना तो कोई और निशान ना कोई सबूत मिला है। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी सिर्फ रमन बल्ला के निशान है गाड़ी पर। हाँ, तो उसकी गाड़ी है तो उस पे उसी के उंगलियों के निशान होंगे ना। पर सर, एक चौंकाने वाली बात है, स्टीयरिंग व्हील पे किसी के निशान ना है। क्या, स्टीयरिंग व्हील पे किसी के उंगलियों के निशान नहीं? नहीं सर, हमने देखने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है किसी ने स्टीयरिंग व्हील पे से निशान साफ करे हैं, बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ किया गया है उसको। अगर ये काम रमन भल्ला ने किया है तो उसने सिर्फ स्टीयरिंग व्हील से अपने फिंगरप्रिंट्स के निशान क्यों मिटाए होंगे? मिटाने ही होते तो पूरे कार से मिटा था। सर, हमें ये मिला है कार में। ये तो किसी पेन का होल्डर पिन है। जी सर, ये गियर पेडल के साइड में पड़ा हुआ था सर। शायद रमन भल्ला का हो। एक काम करो, ये मिसेस भल्ला को दिखाओ और देखो उनके पहचान में आता है या नहीं। क्या उन्होंने अपने बेटे के लिए रूही का हाथ मांगा? हाँ, इनफैक्ट मैं भी सरप्राइज हो गया था आलिया, लेकिन फिर बाद में मैंने उस लड़के की क्वालिफिकेशन चेक की। लड़का बहुत ही अच्छा, MBA किया है उसने, बल्कि अपने डैड के बिजनेस के साथ साथ उसकी खुद की एक फर्म भी है। मुझे तो बहुत सही लगा है। और फैमिली बहुत ही रिप्यूटेड है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, रूही को बहुत एनकरेज करेंगे फ्यूचर। और देखना, रूही भी ना इस बात से बहुत खुश हो जाएगी। एक मिनट आदि, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रूही ये सुन के बहुत खुश होगी? आदि, हमारी एंगेजमेंट को इतना टाइम हो गया है पर अभी भी हम शादी के लिए रेडी नहीं है। और तुम आई नो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि जाके रूही अभी शादी कर ले, जाके मिले लड़के से, बात करे, एक दूसरे को जाने वो अच्छे से। और आलिया, मैं रूही का भाई हूँ, उसका दुश्मन नहीं, उसका अच्छा ही चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि रूही हमेशा खुश रहे, और भाई होने के नाते मैं उसे इतना तो सजेस्ट कर ही सकता हूँ ना। पर आदि, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के लिए रूही अभी बहुत छोटी है। तुम्हें क्या पता उसके क्या ड्रीम्स हैं, उसने क्या फ्यूचर प्लानिंग की है। मे बी उसने बहुत कुछ बड़ा सोचा हो। और अभी वो बिजनेस में रमन अंकल की हेल्प कर रही है, टचवुड तो बहुत अच्छा कर रही है। आई नो यार, और मैं भी कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आलिया, तुम्हें पता है ना रूही ने कितना कुछ सहा है बचपन। तो बस यार, मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ जाए जो उसे हमेशा खुश रखे, जैसे हम दोनों, राइट? ये आप क्या कह रहे हैं यार भाभी? हम बल्ला भाभी और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे, ये कैसे हो सकता है? हम तो एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं और आप ये बोल रहे हो? मैं भी उतने शॉक्ड हूँ जैसे तुम लोग हो। मैंने कितना भरोसा किया था उस परिवार पर और मुझे क्या फल मिला। उस परिवार से मेरे ही दामाद ने मेरी बेटी की जान ली है, खून किया है उसने बंधु का। रमन मेरी बंधु की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर आपकी अपनी बेटी का क्या, वो तो रमन की बीवी है। टूट गया, टूट गया हमारा रिश्ता, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है।
मैंने जो संस्कार उसको दिए थे उनका जोग बनाया है उसने। अब उस परिवार जैसी बन गई है, उसको लगता है वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैंने आज तुम लोगों को इधर बुलाया है। रमन एक खूनी है, मर्डर आ रहे वो। नहीं, मेरे पापा खूनी नहीं है। बाजी, अभी क्या बोल रही हो? मेरे पापा मर्डर नहीं है, वो खूनी नहीं है। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बाजी? तुम्हारे पापा खूनी है, तुम्हारी माँ झूठी है। नहीं, मेरे मम्मा पापा ऐसे नहीं है बाजी, नहीं है ऐसे मेरे देखो, पापा। देखो ये बच्ची कैसे चिल्ला रही है, ये ऐसे संस्कार दिए इसके पेरेंट्स ने इसको। भाभी वो पीहू वहाँ, अब जल्दी चलो ना, अय्यर आंटी और पीहू की चिल्लाने की आवाज आ रही है, अब जल्दी चल के देखो ना। इनकी बात मत सुनो, ये झूठ है, झूठ बोल रही है। पीहू चुप बैठो। नहीं पढ़ो। नहीं मेरे मम्मा पापा ऐसे नहीं है, नहीं मेरे मम्मा पापा ऐसे नहीं है। पढ़ो क्यों? पढ़ो। अम्मा छोटी सी बच्ची है, आप कैसा बर्ताव कर रहे हो उसके साथ? अम्मा हमसे गुस्सा होना तो हम पे गुस्सा निकालो, बच्ची पे क्यों अम्मा? इजिमा मेरे पापा खूनी नहीं है ना, देखो ना बाती झूठ बोल रहे, प्लीज इन्हें समझाओ प्लीज। बाती को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और कुछ नहीं है, मैं समझा दूंगी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ? गो नीरू। अम्मा पीहू के साथ आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? दूर रहो मेरे घर से, और मुझे कैसे बिहेव करना है ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इस घर की तो मत भेजो उसे यहाँ, मैंने इनवाइट नहीं किया था उसको। और वैसे भी एक खूनी के परिवार के लिए मेरे घर के दरवाजे बंद है। दूसरों के सामने तमाशा क्यों कर रहे हो? क्यों? शर्म आ रही है? जब झूठ बोला था तब शर्म नहीं आई? सबको पता चलना चाहिए तुम्हारा हस्बैंड कैसा है। तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी बेटी को मारा है, आज मेरी बेटी को मारा है, कल किसी और। अम्मा बस, अम्मा आप ये भूल रहे हो कि अगर आपकी बेटी मरी है तो मेरी भी बहन गई है। I've lost my sister, अम्मा। उतना ही पेन मुझे भी है। आपको कुछ भी कह दो यकीन नहीं होगा। So it's my challenge now. दो दिन आप मुझे दो। दो दिन के अंदर मैं प्रूव करूंगी कि मेरे पति इनोसेंट है, उन्होंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया है। मैं प्रूव करूंगी अम्मा। सैरी, मैं वेट कर रही हूँ डॉक्टर इशिता भल्ला। गल है? मैं भी देखना चाहती हूँ क्या करोगी तुम, कहाँ से लाओगी सबूत, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर तुम सबूत लाओगी तो सबूत तुम्हारे जैसा ही झूठा होगा, क्योंकि तुम झूठी हो। देखा, इसलिए मुझे तुम सबका सपोर्ट चाहिए। हमारी बिल्डिंग में एक खूनी रह रहा है और क्रिमिनल को हमारे इधर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमें आपका दुख का एहसास है अय्यर भाभी, हम समझ सकते हैं इस वक्त आप पे क्या बीत रही होगी। हमें भी इसी बात का दुख है कि अपनी जवान बेटी ऐसे एक्सीडेंट में चली गई। आरती आप कैसे? बोले दो उन्हें, तुम बीच में मत बोलना। पर अय्यर भाभी, हम भल्ला भाभी और उनके परिवार को भी बहुत सालों से जानते हैं, उन्होंने तो हमेशा सबकी मदद की है। इनफैक्ट बिल्डिंग में तो हम सब यही बातें करते हैं कि इन दोनों परिवारों में कितना अपनापन है, हमेशा दुख सुख में ये लोग सब अपना साथ देते हैं। पर अय्यर भाभी, आप दोनों के बीच में ये हालात देखे हम लोग को भी कितना बुरा लग रहा है। हम ऐसे किसी की साइड नहीं ले सकते, और हम लोग कैसे डिसाइड करें कौन सही या कौन गलत है? परवाह, तुम सपोर्ट नहीं करना चाहते तो प्लीज जाओ, गो ऑन गो। पर एक दिन तुम सबको पता चलेगा कौन सही है और कौन गलत, तब आना मेरे पास,
हम आपकी हालत समझ सकते हैं। आपकी किसी भी बात का हमें बुरा नहीं लगेगा। हम आपसे बाद में मिलेंगे। चलिए सब। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ? जाओ। उत्तले। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है इशिता बल्ला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।